हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर चल रहा है और अभी तक मैंने आपको इसमें दो चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिटिक फंक्शंस के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो फर्स्टली आप उन लेक्चर्स को देखिएगा। आज हम स्टूडेंट देखिएगा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कन्फॉर्मल मैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। ठीक है, आइए उसका कुछ फंडामेंटल हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको मैं इसमें समझा रहा हूँ पहले कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए। देखिएगा स्टूडेंट, जैसे हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, हम ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग दोनों का सेम मीनिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैपिंग भी कहते हैं। देखिएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये सपोज हमारे पास इक्वेशन है यू, देखिए किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स एंड वाई, वी, ये भी हमारा एक्स एंड वाई के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वाई मीन्स ऑफ विच आर करस्पॉन्ड बिटवीन, ये जो इक्वेशन है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो किस किस के बीच में मैपिंग है, दो प्लेन्स के बीच में मैपिंग है, एक तो हमारा क्या है यू वी प्लेन और एक हमारा क्या है एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट देखिएगा, जैसे कि ये होता है हमारा जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो देखिएगा ये तो आपका कहलाता है जेड प्लेन। ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा, जेड प्लेन। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जानते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, ये आपका क्या होता है यू प्लस आई वी। ठीक है, देखिएगा डब्ल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, एफ ऑफ एफ, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब ये किसके ऊपर आपका डिपेंड हो रहा है, यू एंड बी। तो स्टूडेंट इसके लिए ना ये हमारा क्या कहलाता है, चलिए इधर लिख देता हूँ। ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा, यू वी प्लेन कहलाएगा। देख रहे हैं, जैसे यहाँ एक्स रियल है, वाई कैसा है इमेजिनरी, इसी तरह यू कैसा है हमारा रियल है और वी कैसा है हमारा इमेजिनरी है। तो ये आपका क्या कहलाता है, डब्ल्यू प्लेन। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यही तो लिखा है कि ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस किस प्लेन के बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, यू वी प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन। यू वी, देखो एक्स वाई प्लेन, इसको ना हम एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, और ये जो डब्ल्यू प्लेन लिखा है ना, और तो इसको आप क्या कह सकते हैं, यू वी प्लेन भी कह सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग को, किन दो प्लेन के बीच में, एक्स वाई प्लेन और आपका यू वी प्लेन के बीच में। ठीक है, तो ये स्टूडेंट देखिएगा क्या होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। आगे हमने नेक्स्ट डेफिनेशन लिखा है जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम जैकोबियंस हमें फाइंड आउट करना है, वो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो देखिएगा ये हमने एक डिटरमेंट, यहाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक डिटरमेंट हमने कंस्ट्रक्ट करा। तो जैकोबियंस को हम जैसे डिनोट करते हैं, देखिएगा यू और वी किसके ऊपर डिपेंड है, एक्स एंड वाई। तो देख रहे हैं आप यू वी का जैकोबियंस हम किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये डिटरमेंट देखिएगा यू को पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स एंड वाई, फिर वी को पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये जो डिटरमेंट आया है आपके पास, इसी डिटरमेंट को हम इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या कहेंगे, जैकोबियंस कहेंगे। ठीक, अब जैसे हमारा चैप्टर का नाम है कन्फॉर्मल मैपिंग, अब ये इसकी क्या डेफिनेशन है वो आप समझिएगा। कन्फॉर्मल मैपिंग या कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, मैपिंग को हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमने क्या लिखा है, सपोज द ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपने कोई ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो ये दोनों इक्वेशंस क्या कंसिडर किया आपने, ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो दो ट्रांसफॉर्मेशन है मैप्स द टू कर्व, दो कर्व को मैप कर रहे हैं, मतलब दो कर्व हैं आपके C1 और C2। C1 और C2 देखिएगा कर्व कहाँ पर है, जेड प्लेन में है। अभी हमने बताया था ना ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन एक तरह का मैपिंग होगा, जो जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन को किस में मैप करेगा, यू वी प्लेन में। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वही लिखा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो दो कर्व हैं आपके C1 एंड C2, देखो जेड प्लेन में, जेड प्लेन या एक्स वाई प्लेन सेम मीनिंग है, C1 और C2 हमारे पास ये दो कर्व हैं। जो देखिएगा ये दोनों कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, जेड नॉट पर। ठीक, तो इसकी जो इमेज निकल कर आ रही है इन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, देखिएगा C1 की इमेज क्या आ रहा है, C1 डैश, और C2 की इमेज क्या आ रहा है, C2 डैश। जैसे ये दोनों कर्व जेड नॉट पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे थे जेड प्लेन में, उसी तरह इसकी जो इमेज निकल कर आ रहा है, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, डब्ल्यू नॉट पॉइंट पर। वही लिखा है हमने डब्ल्यू नॉट ऑफ डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, तो मैं डब्ल्यू प्लेन में ये जो दो कर्व निकल कर आ रहे हैं C1 डैश और C2 डैश, ये किसकी इमेज है भाई, C1 और C2 की। ठीक, किसके द्वारा है, इन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा है, वही हमने ये लिखा है यहाँ पर। देखिए आगे हमने क्या लिखा है, इफ़ द एंगल बिटवीन C1
एंड सी टू एट जेड नॉट इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन सी वन डैश एंड सी टी। देखिए लिखा है इफ द एंगल बिटवीन सी वन एंड सी टू एट जेड नॉट इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन सी वन डैश एंड सी टू डैश एट डब्ल्यू नॉट देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड आइसोगोनल। इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जब हम इसकी इमेज फाइंड आउट करेंगे तो जेड प्लेन में सी वन और सी टू जो दोनों कर्व हमारे जेड नॉट पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो अगर इसकी इमेज के द्वारा ये एंगल भी आपका क्या है, थीटा ही निकल कर आए। कहने का मतलब क्या है, जो जब हमने इसका इमेज फाइंड आउट करा डब्ल्यू प्लेन में सी वन का इमेज सी वन डैश सी टू का इमेज सी टू डैश, यहाँ पर एंगल आपका थीटा, यही सेम एंगल आपका थीटा यहाँ पर आ रहा है, मतलब इमेज में भी वही एंगल हमारा इक्वल आना चाहिए। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे हम, आइसोगोनल। स्टूडेंट देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जब जेड प्लेन में सी वन डैश सॉरी सी वन और सी टू दो कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं जेड नॉट पर तो ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा। तो इसकी इमेज के द्वारा ये इमेज निकल के आ रहा है सी वन का इमेज सी वन डैश और सी टू का इमेज सी टू डैश, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, डब्ल्यू नॉट पर, जैसे यहाँ जेड नॉट यहाँ W नोट। तो दोनों एंगल अगर हमारे इक्वल आते, सपोज ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री आना चाहिए, ये 45 ये भी 45, अगर एंगल इक्वल आते हैं इमेज में तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कहलाएगा, आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए नेक्स्ट हमने क्या लिखा, इफ द सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फॉर्मल। आइसोगोनल में तो हमने बताया कि एंगल हमारा इक्वल आता है, तो कन्फॉर्मल में क्या है कि जो इफ द सेंस ऑफ रोटेशन, जो सेंस ऑफ रोटेशन है उसके साथ एंगल का मैग्नीट्यूड भी इक्वल आना चाहिए। देखिए एंगल तो यहाँ पर इक्वल आ गया था, इसको तो हमने आइसोगोनल कह दिया, साथ में इनका ना सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि C1 है, देखो इसको ना इस तरह से हम रोटेट कर रहे हैं तो C1 की इमेज यहाँ C1 डैश आ रहा है, C2 की इमेज क्या आ रहा है, C2 डैश आ रहा है, तो सेंस ऑफ रोटेशन भी हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे, कन्फॉर्मल। तो कन्फॉर्मल में स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इमेज निकल कर आ रहा है उसमें सेंस ऑफ रोटेशन के साथ साथ मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल भी इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मल कहते हैं, ठीक है। हाँ देखिएगा स्टूडेंट, अब हम कुछ जनरल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन, ठीक है ना, ये कुछ हमारे जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसलेशन। देखिएगा किस ट्रांसफॉर्मेशन को हम ट्रांसलेशन कहेंगे, देखिएगा अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, देखिएगा अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस फॉर्म में W इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, जेड प्लस बीटा, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे, यहाँ पर ट्रांसलेशन कहेंगे, ठीक। तो देखिएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन द फिगर इन डब्ल्यू प्लेन इज द सेम एज द फिगर इन जेड प्लेन। देखिएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन की खासियत यह है कि जो हमारा फिगर जेड प्लेन में बन रहा है वही फिगर आपका किस में बनेगा, डब्ल्यू प्लेन में बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल की तौर से देखिएगा, अगर जेड प्लेन में सपोज हमारा रेक्टेंगल आ रहा है तो उसका इमेज क्या निकल के आएगा, रेक्टेंगल ही निकल कर आएगा किस में, डब्ल्यू प्लेन में। अगर सर्किल है तो सर्किल आएगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल आएगा, आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर निकल कर आएगा। तो इस तरह के, और लेकिन क्या लिखा है, विद अ डिफरेंट ओरिजन। डिफरेंट ओरिजन मीन्स ऐसा है कि जैसे कि सपोज जेड प्लेन में हमारा एक रेक्टेंगल निकल बनकर एक रेक्टेंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो उसका जो इमेज निकल कर आएगा डब्ल्यू प्लेन में, तो जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है और फोर्थ में भी आ सकता है, वही मीन्स है विद डिफरेंट ओरिजन। देखिएगा करते हैं इसको, तो स्टूडेंट देखिएगा इसका ये एग्जाम्पल दिया मैंने, आप खुद कंपेयर करिएगा W इक्वल्स टू जेड, देखो इसको इससे कंपेयर करो, W इक्वल्स टू जेड प्लस बीटा, देखो जेड ये आ रहा है, बीटा के प्लेस पर क्या आ गया, 1 माइनस टू आई। ये हमें जेड प्लेन के में, ये जेड प्लेन के लिए ये डायग्राम बनाने के लिए ये कुछ हमें इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर। इसकी इमेज हम किसकी, इसकी इमेज हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर इसका हम डायग्राम प्लॉट करेंगे, देखिएगा देखिएगा अब जैसे ये दे रखा है W इक्वल्स टू जेड प्लस वन माइनस टू आई। डब्ल्यू देखिए, W को हम क्या लिख सकते हैं, U प्लस आई वी, जेड को आप क्या लिख सकते हैं, X प्लस आई वाई, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग लिखा है। फिर स्टूडेंट देखिएगा U प्लस आई वी रियल पार्ट, X प्लस वन, फिर आप I कॉमन ले लीजिएगा Y माइनस टू, आप यहाँ से रियल इमेजनरी पार्ट इक्वेट करो तो U इक्वल्स टू क्या आ गया, X प्लस वन,
और v इक्वल्स टू क्या जाएगा आपके पास, y माइनस टू। तो अब आप लोग देखिएगा यहां पर ये कुछ कंडीशंस आपको गिवेन है, इनका यूज करिएगा। देखिएगा इफ x इक्वल्स टू जीरो, अगर x इक्वल्स टू आप जीरो लेते हैं तो आप यहां पुट करो u इक्वल्स टू क्या जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिएगा, हाँ आगे भी दे रखा है इफ x इक्वल्स टू क्या गिवेन है, टू, तो आप यहाँ पुट कर दो, टू प्लस वन कितना आ जाएगा, थ्री, ये इमेज निकल कर आ रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। इसी तरह से देखिएगा इफ y की वैल्यू लेते हैं, y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो देखिएगा v हमारा y के ऊपर डिपेंड है, तो y के प्लेस पर हमने जीरो रखा तो कितना बचेगा, माइनस टू। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट आपका y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो y इक्वल्स टू वन, वन माइनस टू कितना आ जाएगा, माइनस वन, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। देखिएगा हम इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं, एक तो बनाते हैं जेड प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ओरिजन और वाई, तो ये आपका देखिए क्या क्या है, जेड प्लेन। तो आप देख रहे हैं एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सेस, वाई इक्वल्स टू जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सेस। आगे देखिएगा ये क्या लिखा हुआ, एक्स बराबर टू, सपोज प्लॉट कर लिया हमने, ये वन है आपका, ये टू है, तो एक्स इक्वल्स टू टू, तो देखिएगा एक्स इक्वल्स टू टू ये स्ट्रेट लाइन आपका आ जाएगा। ऐसे ही देखिएगा y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, वन, सपोज y के वैल्यू वन ये है और टू आपका ये है, तो y इक्वल्स टू देखिएगा कितना है, वन, तो y इक्वल्स टू वन आपका ये आ जाएगा, ठीक। तो आप ये देख रहे हैं जेड प्लेन में इन सभी लाइंस के द्वारा क्या आपका निकल कर आ रहा है, ये कर्व देखिएगा, ये निकल के आ रहा है, ये क्या निकल के आ रहा है आपका, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसका इमेज हम फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा क्या है, यूवी प्लेन है या डब्लू प्लेन, ये कह सकते हैं डब्लू प्लेन, ठीक। तो आप लोग देखिएगा यू यू ये वी, यू की वैल्यू कितना है, वन, तो सपोज हम ये लेट कर लेते हैं, वन देखिएगा, ये वन, ये आपका टू, ये आपका थ्री। इसी तरह वी की वैल्यू देखिएगा निगेटिव, तो निगेटिव वैल्यूज तो इधर आएगा, ठीक है, तो देखिएगा आप यहाँ v इक्वल्स टू देखिएगा कितना है, माइनस वन, ठीक है, और a कितना है, माइनस टू, तो v इक्वल्स टू माइनस टू, ये आ जाएगा आपका, ठीक। तो अब आप देखिएगा u इक्वल्स टू वन, अगर u इक्वल्स टू वन हम प्लॉट करते हैं, देखिएगा ये प्लॉट करते हैं u इक्वल्स टू वन, ये लाइन आएगी हमारी u इक्वल्स टू वन, ठीक। फिर देखिएगा u इक्वल्स टू थ्री, तो u इक्वल्स टू थ्री हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। आगे देखिएगा v इक्वल्स टू माइनस वन, तो v इक्वल्स टू माइनस वन ये आ रहा है आपका। फिर देखिएगा v इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, तो v इक्वल्स टू माइनस टू आपका ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक। तो आप देखिएगा खुद ये ये जो रेक्टेंगल आपका प्लॉट हो रहा था, देख रहे हैं ये रेक्टेंगल, ठीक, इसकी इमेज हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से निकाला है, तो ये क्या निकल के आ रहा है आपका, ये रेक्टेंगल ही तो निकल के आ रहा है, देखो तो इसका इमेज ये निकल कर आ रहा है, ठीक, क्या निकल के, ये रेक्टेंगल है, तो देखिएगा ये भी रेक्टेंगल आ रहा है। इस ट्रांसलेशन की खासियत क्या था, हमने क्या बताया था कि जो फिगर आपका जेड प्लेन में बनेगा वही सेम फिगर किस में बनेगा, इन डब्लू प्लेन विद डिफरेंट ओरिजन। यहाँ देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना है, तो ऐसा तो नहीं कि इसकी इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा आता है रोटेशन। अगर हमने क्या लिखा है, आ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस फॉर्म है, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखा है, जेड इंटू ई टू पावर आई थ्रीटा, तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम रोटेशन कहेंगे, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या, जैसे रोटेट कर रहे हैं, तो जो फिगर हमारा किस में बनेगा, जेड प्लेन में बनेगा, उसका इमेज हम डब्ल्यू प्लेन में फाइंड आउट करेंगे, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा रोटेट होगा, ठीक। तो वही लिखा है हमने, देखिएगा ये जो एंगल आ रहा है थ्रीटा, अगर थ्रीटा ग्रेटर देन जीरो है, अगर जीरो से मतलब पॉजिटिव है, तो जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एंटी क्लॉकवाइज हमारा कर्व रोटेट होगा,
ठीक है, अगर थीटा हमारा कैसा है, नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो, तो रोटेशन कैसा होगा आपका, क्लॉकवाइज। ठीक, एक एग्जांपल द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये मैंने एग्जांपल लिया है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, इसको इससे कंपेयर करिएगा, W इक्वल्स टू जेड, तो जेड आ रहा है ए टू पावर आई थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या आ रहा है, पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर तो एक ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो रोटेशन होगा, कर्व जो रोटेट करेगा, उसका जो इसका इमेज निकल कर आएगा, वो रोटेट करेगा, कैसा रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, चलिए इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, ये आपको दे रखा है डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड ई टू पावर आई वाई फोर, डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, यू प्लस आई वी, और जेड को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई, फिर इसको आप लिख सकते हैं कॉस पाई वाई फोर प्लस आई साइन पाई वाई फोर, ये वैल्यू लिख सकते हैं। फिर ये देखो यू प्लस आई वी, इसके अंदर मटे, हाँ इसे कैलकुलेशन कर लो, एक्स प्लस आई वाई, कॉस 45 कितना होता है, वन अपॉन रूट टू, और साइन 45 कितना होता है, वन अपॉन रूट टू, तो ये वैल्यू देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन करो इसके, देखिएगा एक्स अपॉन रूट टू, आई एक्स अपॉन रूट टू, इसके मल्टीप्लाई करते हैं आई वाई अपॉन रूट टू, आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन, वाई अपॉन रूट टू, ये आ जाएगा। फिर आप देखिएगा यू प्लस आई वी, ये रूट टू, ये रूट टू, आप कॉमन ले लीजिएगा, तो देखेंगे कितना आएगा, एक्स माइनस आई वाई, ठीक, आई अपॉन रूट टू, आप फिर ये कॉमन ले लीजिएगा। रियल इमेजनरी पार्ट स्टूडेंट देखिएगा, कंपेयर करेंगे तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की हमने डेफिनेशन लिखवाया था अभी आपको, वी इमेजनरी पार्ट, देखो एक्स प्लस वाई अपॉन रूट टू, ठीक है। तो अब देखिएगा इन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम करेंगे, अब जैसे ये कंडीशंस दे रखे हैं आप यूज़ करिएगा, ठीक है, देखो क्या दे रखा है, इफ़ एक्स इक्वल्स टू जीरो, अगर आपको एक्स इक्वल्स टू जीरो दे रखा है तो यहाँ पुट करिएगा एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो आप देखिएगा एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करने पर ये क्या बचेगा, माइनस वाई अपॉन रूट टू, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। इन द सेम वे आप यहाँ पुट करिएगा एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो क्या बचेगा आपका, वाई अपॉन रूट टू, ठीक। तो देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो u अपॉन v, तो आप देख रहे हैं y माइनस रूट टू और ये y अपॉन रूट टू, ये आपस में कैंसिल, कितना आएगा, माइनस वन, तो आप लोग देख रहे हैं u इक्वल्स टू क्या गया, माइनस v, ठीक, एक ये रिलेशन निकल कर आया। इसी तरह देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लेते हैं इफ क्या लेते हैं, y इक्वल्स टू जीरो, तो इसमें y बराबर जीरो रखे, देखिएगा तो y बराबर अगर हम जीरो पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं x अपॉन रूट टू, वाई बराबर जीरो पुट करते हैं तो x अपॉन रूट टू, इसी तरह स्टूडेंट इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, या u इक्वल्स टू v लिख सकते हैं, तो एक रिलेशन स्टूडेंट देखिएगा ये निकल कर आया है। इसी तरह से देखिएगा, इसका यूज़ करा, अब इसका यूज़ करते हैं नेक्स्ट, इफ़ x प्लस वाई बराबर वन, तो देखो x प्लस वाई कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो आप x प्लस वाई के प्लेस पर 1 पुट कर दो, तो 1 अपॉन रूट टू, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट होकर आ गए। अब देखिएगा इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो एक डायग्राम देखिएगा हम यहाँ बनाते हैं जेड प्लेन में, ठीक, ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये कौन सा प्लेन है आपका, जेड प्लेन। अब आप लोग देखिएगा x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो का मतलब y एक्सिस, y बराबर जीरो मीन्स x एक्सिस, तो ये तो हमने प्लॉट कर दिया, x प्लस वाई, x प्लस वाई देख रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू वन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को, x एक्सिस इंटरसेप्ट वन, y पर वन, तो देखिए x प्लस वाई प्लस वन, ये इस तरह से आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू वन, तो देख रहे हैं स्टूडेंट ये आपका जेड प्लेन में हमारे पास डायग्राम आ गया, क्या आ रहा है, ट्राइंगल निकल कर आ रहा है। इसकी इमेज आप फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, अब आप लोग देखिएगा इधर इसका डायग्राम बनाते हैं W प्लेन में, तो ये आप देख रहे हैं U, ये इधर U डैश कह दीजिएगा, V और इधर क्या आता है, V डैश ओरिजन, ठीक है, इधर हमारा X डैश और Y डैश आ जाएगा। अब आप लोग देखिएगा, देखो ये निकल कर आ रहा है, एक तो ये रिलेशन आ रहा है U बराबर V, और एक ही आ रहा है U बराबर V, जैसे स्ट्रेट लाइन होता है ना हमारा Y बराबर X, ऐसी क्या U बराबर V 45 पर लाइन आएगी, तो U बराबर V आप प्लॉट करेंगे तो आप देखो ये निकल के आएगा आपका, क्या आएगा, ये U इक्वल्स टू V स्ट्रेट लाइन।
इन द सेम वे देखो एक स्ट्रेट लाइन ही यू इक्वल्स टू माइनस वी, अगर स्लोप देखा जाएगा टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस वन, मतलब 135 डिग्री आएगा। तो 135 डिग्री तो ये तो 45 डिग्री, 135 डिग्री हमारा इधर से आएगा। ठीक, इस तरह से हम ये डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं यू इक्वल्स टू माइनस वी, ये आ रहा ना आपका यू इक्वल्स टू माइनस वी 135 डिग्री होगा ना, इधर से देखो ये यहाँ तक 90 और 45 ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा सही कर देते हैं भाई, देखिएगा ये कितना है, देखो माइनस वन आपका टेन थ्रीटा स्लोप जो आएगा माइनस वन, तो माइनस टेन में माइनस वन किसकी वैल्यू होती है 135 डिग्री, 90 है 45 भी आ गया 135 डिग्री। तो देखिएगा हमने इसको भी प्लॉट कर दिया, इसको भी प्लॉट कर दिया, फिर v बराबर क्या आ रहा है 1/√2, ये हमारा v आ रहा है, तो v 1/√2 देखो ये हमने v इक्वल्स टू क्या रिप्रेजेंट कर दिया 1/√2। तो स्टूडेंट देखिएगा ये ट्राइंगल, तो आपका ये भी तो ट्राइंगल बनकर आ रहा है, देख रहे हैं ये ट्राइंगल। ठीक, तो ये जो ट्राइंगल आ रहा था देख रहे हैं आप क्या आ रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, ये इसकी इमेज हमने ये फाइंड आउट करा, तो ये देख रहे हैं ये ट्राइंगल को ना हमने रोटेट कर दिया, तो ट्राइंगल देखो ये था, इसको हमने इस तरह से रोटेट किया, तो ये डायरेक्शन देखो कैसी है एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि यहाँ थ्रीटा की वैल्यू आप देखिएगा कितना था 45, अगर थ्रीटा ग्रेटर देन जीरो आता है तो जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा एंटी क्लॉक वाइज। तो ये ट्राइंगल था देखो, इस ट्राइंगल को हमने इससे रोटेट कर दिया, कितना रोट कर दिया यहाँ 45 डिग्री। ठीक है, और कैसा रोटेशन हो रहा है यहाँ एंटी क्लॉक वाइज, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं रोटेशन। हाँ स्टूडेंट देखिएगा नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हमने क्या लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इस फॉर्म में आता है डब्ल्यू इक्वल्स टू देखिएगा क्या लिखा हुआ ए जेड, जिसमें कि ए इज अ रियल, ए जो क्वांटिटी है वो कैसा होना चाहिए आपका रियल क्वांटिटी होना चाहिए, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं मैग्नीफिकेशन। अब देखिएगा इसमें क्या है, द टू फिगर्स इन जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन आर सिमिलर एंड सिमिलरली सिचुएटेड अबाउट देयर रेस्पेक्टिव ओरिजन। देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की खासियत क्या है कि जो फिगर हमारा जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन में आएगा वो दोनों फिगर कैसी होंगी, सिमिलर होंगे और सिमिलरली सिचुएटेड अबाउट देयर रेस्पेक्टिव ओरिजन, अपने ओरिजन के रेस्पेक्टेड वो सिमिलरली सिचुएटेड होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा फिगर डब्ल्यू प्लेन में होगा और जेड प्लेन में होगा वो दोनों कैसा हुआ सिमिलर होगा। व्हाट द फिगर इन डब्ल्यू प्लेन, लेकिन जो डब्ल्यू प्लेन में फिगर बनेगा वो ए टाइम्स किसका होगा जेड प्लेन का, ए टाइम मीन्स मतलब देखो ए टाइम्स मल्टीप्लाई में आ रहा है, अगर सपोज एक ही जगह क्या आ रहा है टू, तो जो डब्ल्यू प्लेन में फिगर बनेगा वो जेड प्लेन का टू टाइम्स होगा, अगर थ्री होगा तो थ्री टाइम्स होगा, वन बाई टू होगा तो हाफ टाइम्स होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया, इसको इससे कंपेयर करके देखिएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू ए जेड, तो ए की जगह क्या आ गया टू, हमने क्या लिखा ए इज़ अ रियल, तो टू हमारी कैसी है रियल क्वांटिटी है, ये सारी कंडीशंस हमें जेड प्लेन में दे रखी है। अब इसकी इमेज हम किस में फाइंड आउट करेंगे डब्ल्यू प्लेन में, किसकी हेल्प से, इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। देखिएगा करते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू आपको टू जेड, डब्ल्यू मीन्स क्या होता है भाई यू प्लस आई वी, और जेड मीन्स आप देखिएगा क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, तो रियल इमेजनरी पार्ट आप इक्वेट कर लीजिएगा तो 2x आ जाएगा और v इक्वल्स टू कितना बचेगा 2y बचेगा। अब आप देख रहे हैं x प्लस वाई भी यहाँ पर कंडीशन में यूज़ हो रहा, तो आप इसको ऐड भी कर दीजिए तो ये x ये आ जाएगा x प्लस वाई। तो देखिएगा स्टूडेंट इन कंडीशंस का हम यूज़ करते हैं, देखिएगा इफ़ एक्स बराबर ज़ीरो, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है तो x यहाँ आ रहा है, तो इस u की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड है तो u की वैल्यू ज़ीरो आ गया। फिर स्टूडेंट देखिएगा क्या है y इक्वल्स टू ज़ीरो, तो y हम यहाँ पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू क्या आ गया ज़ीरो। नेक्स्ट आप देखिएगा स्टूडेंट क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू वन, तो यहाँ x प्लस वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे वन, तो आप देख रहे हैं u प्लस वी, यहाँ वन रखा तो कितना आ गया टू आ गया। फिर आप देखो u अपॉन टू स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया क्योंकि हमें इसका डायग्राम प्लॉट करना है। ठीक है, अब देखिएगा इसका अब हम डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप लोग ये तो रहा हमारा जेड प्लेन एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस ओरिजन, ये क्या है आपका जेड प्लेन। देखिएगा जेड प्लेन में क्या दे रहा है एक्स इक्वल्स टू जीरो का मतलब वाई एक्सेस, वाई बराबर जीरो का मतलब वाई बराबर जीरो मीन्स हमारा एक्स एक्सेस, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई एक्स प्लस वाई, तो ये स्ट्रेट लाइन आप इस तरह से दिखा दीजिए, इंटरसेप्ट कितना है वन वन, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये निकल कर आया है भाई, ये देखिएगा स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका रीज़न निकल कर आ रहा है किस में आ रहा है जेड प्लेन में। अब इसकी हम इमेज फाइंड आउट करते हैं डब्ल्यू प्लेन में, देखिएगा डब्ल्यू प्लेन में इमेज, ठीक है ना, यू इसको आप वी कहेंगे,
ओरिजन, और ये आप देख रहे हैं क्या है आपका W प्लेन। तो आप यहाँ देखिएगा U इक्वस टू जीरो, U इक्वस टू जीरो का मतलब ये हमारा V एक्सेस, V इक्वस टू जीरो मीन्स ये हमारा रियल एक्सेस U आ गया, ये हमने प्लॉट कर दिया। आगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ इंटरसेप्ट कितना था 1 1, वही ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, x अपॉन वन y अपॉन वन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ इंटरसेप्ट कितना दे रखा है आपको, 2 2 दे रखा है। जैसे यहाँ इंटरसेप्ट ये क्या होगा 1 होगा, यहाँ क्या होगा 1 होगा। अगर हम कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं तो 1, 0 आएगा, अगर v लेते हैं तो देखो क्या आएगा 0, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 2 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट देखिएगा 1 ये आएगा आपका, 2 इधर आएगा, इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं 1 ये आएगा आपका, 2 ये आएगा। तो इंटरसेप्ट आपको 2 टाइम्स दे रखा है, तो डबल इंटरसेप्ट नहीं दे रखा है। यहाँ इंटरसेप्ट 1 1 था, यहाँ क्या आ रहा है आपका 2 2 आ रहा है। तो ये आपका ट्राइंगल बनकर आएगा। ठीक है, देखिएगा ये इसका इमेज निकल कर आया। ठीक है स्टूडेंट, देखो अगर हम ये कोई पॉइंट लेते हैं, ट्राइंगल बना लीजिए पी पॉइंट लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 2, 0। अगर ये आप क्यू पॉइंट लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 0, 2। ठीक है, तो हमने देखिएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या लिखा था कि जो दो फिगर बनेंगी आपकी जेड प्लेन में और डब्लू प्लेन में, दोनों कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। देखो ये भी ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों डायग्राम हमारे सिमिलर नहीं है। और जो फिगर बनेगा डब्लू प्लेन में वो इसका क्या लिखा था हमने ए टाइम्स, तो यहाँ ए की प्लेस पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये ट्राइंगल देखिएगा इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 2 2, यहाँ इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 1 1। तो ये ट्राइंगल जस्ट इसका डबल बन कर नहीं आ रहा है। तो यही तो हमने आपको समझाया यहाँ पर कि मैग्नीफिकेशन में जो फिगर बनेगा जेड प्लेन और डब्लू प्लेन में वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। और जो फिगर हमारा डब्लू प्लेन में होगा वो जेड प्लेन के फिगर का कितना होगा ए टाइम्स, तो यहाँ ए की जगह 2 आ रहा था 2 टाइम्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा नेक्स्ट हमारा आता है इन्वर्जन। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या आता है, इन्वर्जन। देखिए हमने लिखा आर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमारा किस फॉर्म में होता है डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड, देखो इन्वर्स की फॉर्म में आ रहा है इसलिए इसको नाम दिया गया इन्वर्जन। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इस फॉर्म में है तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इन्वर्जन। ठीक, द फिगर इन जेड प्लेन, जो जेड प्लेन में हमारा फिगर है उसका जो हम इमेज निकालेंगे, अपॉन द रेसिप्रोकल फिगर्स इन डब्ल्यू प्लेन, जो रेसिप्रोकल फिगर्स होगा हमारा किस में, डब्ल्यू प्लेन में। तो देखिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझाया, देखिए ये W इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड आ रहा है। ये जेड प्लेन में आपको एक स्ट्रिप दे रखे, इसकी इमेज आपको इसके हेल्प से फाइंड आउट करनी है। आइए करते हैं इसको, ठीक है देखो सॉल्व करते हैं। W इक्वल्स टू देखिएगा 1 अपॉन जेड, जेड मीन्स देखिएगा क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, रियल इमेजनरी पार्ट हमें इक्वेट करना है तो इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। W मीन्स देखो क्या होता है यू प्लस आई वी एक्स माइनस आई वे, ए प्लस वी ए माइनस वी, तो ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, रियल इमेजनरी पार्ट को हम सेपरेट कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ये क्या आ रहा है आपका माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रियल पार्ट आप देख रहे हैं क्या कैलकुलेट होके आ रहा है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट देखिएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखिएगा कुछ ये y देख रहे हैं, y की वैल्यू हमें u और v के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट हमने क्या करा, इन दोनों को डिवाइड कर दिया u अपॉन v। देखो u को v से डिवाइड करेंगे, ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का क्या आएगा x अपॉन y। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस वाई इंटू यू अपॉन वी। तो ये हमने ना x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, रिलेशन हमें निकालना चाह रहा हूँ। देखिएगा फिर नेक्स्ट हमने क्या करा, नाउ देखिएगा v को लिखा हमने v इक्वल्स टू आप लिख लीजिएगा माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा ये क्या लिखा हुआ, x इस x की वैल्यू पुट करते हैं माइनस वाई, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर और यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक, तो देखिएगा इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो v इक्वल्स टू, तो आप लोग देख रहे हैं ये वाई स्क्वायर आपका कॉमन आएगा माइनस वाई इंटू वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो वाई स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, तो देखिएगा क्या बचेगा आपका यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा एक v से v कैंसिल, एक y से आपका y कैंसिल। तो अगर आप y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, y इधर आएगा ना, एक v बचेगा माइनस v अपॉन आप देखिएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर।
हाँ देखो, अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये टर्म आपको गिवन है कि y ग्रेटर देन 1/4 लेस देन 1/2। अब इन कंडीशंस का आप यूज़ करिएगा। चलिए किसी भी कंडीशन को ले लेते हैं। इफ़ अगर आपने ये कंसीडर किया y लेस देन 1/2, तो y की वैल्यू पुट करिएगा, देखिएगा माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर लेस देन 1/2। चलिए इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो आप देखिएगा माइनस का 2v और लेस देन आप देखिएगा क्या यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको ना इधर लेकर आते हैं 2v ग्रेटर देन 0। फिर देखिएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर 2v प्लस 1 हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो आप देख रहे हैं यू स्क्वायर और क्या बचेगा वी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये एक किस फॉर्म में आ रहा है, सर्किल की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम ये लेते हैं, देखिएगा इफ़ आपका क्या है y ग्रेटर देन 1/4 है। y किससे ग्रेटर है, देखिएगा 1/4 से। तो y की वैल्यू जो हमने ये कैलकुलेट की है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करिएगा माइनस वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो देखिएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ये इधर जाएगा ना, लेस देन किससे हो जाएगा आपका माइनस 4v से। तो स्टूडेंट देखिएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v, 4 इधर ऐड किया, दोनों तरफ हमने 4 ऐड कर दिया, तो यू स्क्वायर आप देख रहे हैं वी प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 4, ठीक। तो ये सर्किल हमारे पास फाइंड आउट होकर आ रहे हैं, ग्रेटर देन आउटसाइड, लेस देन मतलब इनसाइड, रीजन लेना है आपको, ठीक है। स्टूडेंट देखिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये ना हम बनाते हैं यहाँ जेड प्लेन, ठीक ना, जेड प्लेन हमने कंसीडर किया है। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आपका जेड प्लेन, ये हमारा जेड प्लेन है, ठीक स्टूडेंट। ये आपको यहाँ क्या दे रखा है, जेड प्लेन दे रखा है। इसमें देख रहे हैं ये आपका स्ट्रिप बनकर आएगा, वाई ग्रेटर देन 1/4, वाई लेस देन 1/2। तो स्टूडेंट देखिएगा आपने सपोज वाई, ये तो 1/2 कंसीडर कर लिया, सॉरी 1/2 तो ऊपर आएगा, ये हमारा 1/4 और ये कितना आ गया 1/2, ठीक। 1/4 1/2 से लेस होगा, तो देख रहे हैं वाई इक्वल्स टू 1/4, एक तरह की ये आपका निकल कर आएगा वाई इक्वल्स टू 1/4। फिर ये देखिएगा कितना है वाई इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1/2। आप इस स्ट्रिप को देखो, y की वैल्यू 1/4 से तो ग्रेटर है लेकिन 1/2 से लेस है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये रीज़न हमारा क्या निकल के आएगा, ये रीज़न निकल कर आएगा, ठीक है। अब इसकी इमेज आपको फाइंड आउट करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। किस में फाइंड आउट करना है, w प्लेन में। चलिए w प्लेन में इसकी इमेज हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक ना, u इधर कह दीजिएगा u डैश, ये आपका v और यहाँ क्या कहेंगे v डैश, ओरिजन ये आपका कितना आ गया w प्लेन, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा ये क्या एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 0, -1, ये भी एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 0, -2। तो देखिएगा ये हमने यहाँ लिख लिया -1 और यहाँ क्या लिख लिया -2 और ये कितना हो गया -3 और ये कितना हो गया -4, ठीक ना, इस तरह से। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा पहला फर्स्ट सर्किल है, यू सेंटर क्या है 0, -1, ठीक। ये एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या आएगा 0, -1, ये सेंटर यहाँ से देखिएगा सेंटर क्या निकल के आएगा 0, -1। तो देखिएगा 0, -1 ये सर्किल का सेंटर आ गया। रेडियस कितना है हमारा 1, तो देखिएगा 1 ये है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो एक सर्किल को आप ना प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। देखिएगा सेंटर 0, -1 ये हमारा सेंटर आ गया और रेडियस इसका कितना है 1, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1। तो एक सर्किल आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है, ये इसका। इसी तरह स्टूडेंट ये देखिएगा, देखिएगा ये भी हमारा एक सर्किल है जिसका सेंटर आप यहाँ से देखिएगा क्या निकल कर आता है 0, -2 और रेडियस भी कितना आपका आ रहा है 2 आ रहा है, रेडियस कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। तो देखिएगा सेंटर कितना 0, -2, ये सेंटर -2 ये आ गया सेंटर आपका
और रेडियस कितना है आपका 2। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है। तो ये स्टूडेंट देखिएगा सर्किल कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक, तो सर्किल की थोड़ा की फॉर्म में थोड़ा सा हमने बना लिया, थोड़ा सा डायग्राम भाई वैसा बन जाए, लेकिन आप मान के चलिएगा ये क्या है हमारा सर्किल है। तो ये देख रहे हैं ग्रेटर देन वन आ रहा है, ये लेस देन, ये आपका लेस देन आ रहा है। तो ये जो रीज़न देख रहे हैं वो यहाँ पर ये मैप होकर आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इनवर्जन। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आज ये कन्फॉर्मल मैपिंग का जो चैप्टर स्टार्ट किया है, इसमें जो आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, उसकी डेफिनेशंस और कुछ हमने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ डिस्कस किए हैं, वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को आप शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्टूडेंट साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए न्यू वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू।